नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दुबे और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। 1995 में सारेगामप्पा ने छोटे पर्दे पर एक संगीतमय यात्रा की शुरुआत की। तब से यह शो बदलते समय के साथ बदलता गया और 25 साल बाद भी यह शो मजबूती से चल रहा है। इसके प्रशंसकों की संख्या बड़े पैमाने पर है। जज और गायक उदित नारायण ने INX को बताया, जहां तक संगीत उद्योग का संबंध है, सारेगामप्पा नई कुछ को जन्म देने के लिए उत्कृष्ट मंच रहा है। अयोध्या में बीजेपी नेता समेत दो हत्याकांड मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले के लापरवाही के आरोप के चलते यहाँ टिकटनगंज चौकी इंचार्ज राजेश यादव को निलंबित कर दिया। देश में 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के चलते घरेलू उड़ाने भी बंद है। अब इन्हें 2 महीने बाद 25 मई से दोबारा शुरू किया जा रहा है। एयरपोर्ट पहुँचने से लेकर विमान में बैठने तक के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिनका यात्रियों को पालन करना होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जहां एक तरफ सरकार जहां मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की सलाह दे रही है, वहीं दिल्ली के मटिया महल बाजार में नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। शुक्रवार दोपहर कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से कुछ मिनट पहले मालिर में मॉडल कॉलोनी के निकट जिन्ना गार्डन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें से 9 बच्चों समेत 97 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग चमत्कारी ढंग से बच गए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।